हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सिल्वर क्लोराइड इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज इट्स लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन। हमें बताना है कि सिल्वर क्लोराइड की लैटिस एनर्जी किससे ज्यादा है क्योंकि वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो है सॉल्युबिलिटी। राइट, अगर हमें किसी भी चीज को वाटर सॉल्युबल करना है, फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई भी कंपाउंड है उसे हमें वाटर में डिसॉल्व करना है, तो जो एनर्जी हम चेक करते हैं वो कौन सी होती है? हाइड्रेशन एनर्जी। बेसिकली जब भी कोई एक कंपाउंड वाटर में डिसॉल्व होता है तो जो एनर्जी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो किसी भी कंपाउंड का वाटर सॉल्युबल होने के लिए हमारी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है वो क्या है? वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल है इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हुई? इसकी हाइड्रेशन एनर्जी हुई कम। किससे? इसकी लैटिस एनर्जी से। राइट, तो अगर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम है लैटिस एनर्जी से, तो ये क्या होगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा वाटर में, क्योंकि लैटिस एनर्जी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस की जब जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से तो वो कंपाउंड क्या होगा? या तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा या फिर इनसॉल्युबल होगा। तो हमारा जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा किससे है? हाइड्रेशन एनर्जी से। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, हाइड्रेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।